बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से प्यारी सी दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे की जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही है फैक्ट्री जहाँ पर काम होता रहता है, और आज शायद से कुछ ज़्यादा काम हो रहा है तो इस वजह से ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। तो बस मुझे लगा कि ब्लॉग कहीं से शुरू कर लेना चाहिए। आज वेनसडे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। धूप काफ़ी अच्छी थी तो धूप लग चुकी है, कपड़ों को मैंने निकाल लिए, अब उनको फोल्ड करना है। वो तो काम बाद में करूँगी, कपड़े फोल्ड करने वाला, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कपड़े जो है स्टिच करने हैं। अजमा के कुछ कपड़े जो है एनुअल डे के लिए रेडी करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अजमा के एनुअल डे का है, ये भी अजमा के एनुअल डे में रेडी करना है इसको भी। और यहाँ पर भी कुछ है, बहुत कुछ है बनाने वाली, पता नहीं कब बनाऊँगी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। और साथ में यहाँ पर ये जो है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये किसी का बुरका है जो कि स्टिच करना है। यहाँ पर देखिए कटिंग मैंने करके रखी, कलर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है कलर। तो बस उसको स्टिच करना है, मैंने उसको कटिंग कर दी है और वो जो है उसी टाइप में, मतलब दोनों कलर मुझे बहुत पसंद आए हैं तो उसी टाइप में मैं अगर सिलूंगी मेरे खुद के लिए तो मैं आपके साथ डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूंगी, देखते हैं क्या होता है। बट सोचा कि चलो व्लॉग को शुरू कर लेते हैं यहीं से, क्योंकि व्लॉग जो है बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम है, बिल्कुल भी काम जो है ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। मतलब सुबह उठो तो दिमाग में यही रहता है कि काम कब ख़त्म होंगे, कब ख़त्म होंगे और कब शुरू करेंगे, तो यही हो रहा है। तो फिलहाल चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट, इसके बाद सुबह से मैं लगी हूँ वीडियो को एडिट करने में लगी थी, तो अभी फिलहाल मैं किचन में आई हूँ। क्योंकि तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले किचन में आने के बाद मुझे दिख गई बॉटल्स जो कि खाली पड़ी थी, तो फिर सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी चला जाता है और आ तो जाता है एक दो घंटे के लिए, अगर ज़्यादा देर मतलब बिना बताए चला जाता है तो वो शाम तक के लिए चला जाता है, तो पानी को भरना मस्ट होता है। तो पहले मैंने पानी को लगा दिया, फिर यहाँ पर कुकर को धो लिया। कुकर को धोने के बाद मैंने यहाँ पर जो मूंग होती है उसको चढ़ा दिया है, सब्जी इसकी बाद में बनेगी। तो साथ साथ मैं यहाँ पर आटे को भी गूंद रही हूँ क्योंकि आटा मलना ज़रूरी था, आटा नहीं था, ख़त्म ही हो चुका था, बस यहाँ पर आटे को मल रही हूँ। साथ साथ जो काम निपटते जा रहे हैं ना वो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने लगे हैं दिन ब दिन, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब दिन जैसे ढलता जाता है तो फिर मुझे नेक्स्ट डे का काम याद आ जाता है। पहले एक दिन पहले मैं सोचती रहती हूँ कि अब कल क्या करें, कल का क्या होगा, कल का काम कैसे होगा, यही सोचती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल्स मैंने भर दिए हैं, साथ साथ के ही कर रही हूँ और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी के लिए जो हमारा डब्बा है वो जो धो दिया रात में, अभी सूख चुका है और ढक्कन मैंने सुबह में ही अंदर ले लिया था क्योंकि सूख चुका था, बस इस डब्बे को अंदर से धोया था, सूखा नहीं था। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि इसको इसमें अब मैं घी बनाऊँगी तो डालूँगी। तो जब भी ब्रेकफास्ट बनाओ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हसीना पा के लिए चाय के लिए दूध निकाल लेती हूँ साथ में, फिर इसके बाद लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट की जो भी तैयारी है वो करने के लिए। हरी मिर्च, धनिया और कड़ी पत्ते को निकालना होता है ब्रेकफास्ट में, ये जाता ही जाता है, तो सबको निकाल लिया, काट लिया, फिर यहाँ पर तड़का भी लगा दिया। साथ में जो आइस का आप वहाँ पर बर्तन देख रहे होंगे, पतीला छोटू सा जिसमें मैंने आइस जमाया है, तो उसमें पानी डालकर रखा ताकि वो पानी जो है मेल्ट होकर ठंडा पानी निकल जाए, क्योंकि मैं उसमें उससे बनाने वाली हूँ मस्का, यानी कि घी बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर साथ साथ में जो काम होते जा रहे हैं वो करती जा रही हूँ, रोटी भी बना ही ले रही हूँ क्योंकि यहाँ से मतलब किचन में खड़े रहने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम खड़े रहो तो नहीं जमता है। तो जैसे रोटियां हो गई तो फिर मैं यहाँ पर आ गई अपने जो कपड़े निकाल कर रखे थे सूखे हुए उनको फोल्ड करने के लिए। देखिए यहाँ पर अभी मैं आई हूँ किचन में और कपड़े जो है फोल्ड हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर मुझे बनाना था मस्का।
तो इस वजह से, और इस बार काफ़ी ज़्यादा मस्का हमारे यहाँ पे जमा हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से मस्का जो है बनाया ही नहीं है। जब से अम्मी गए हैं तब से नहीं बनाया, क्योंकि जब अम्मी भैया आए थे तो उन लोगों के लिए मैंने मलाई को जमाई थी ताकि वो फ़्रेश फ्रेश मलाई जो है अच्छे से खा सके, तो उसके बाद से ही जमा रही हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि थोड़ी सी ज़्यादा ही जमा लेते हैं, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा जमाई है तो मस्का भी काफ़ी अच्छे से निकल आया है। तो बस यहाँ पर इस तरह से लगाकर मैं बैठ जाती हूँ, और जब तक ये होता रहता है तो उसको चेक करना भी पड़ता है, पानी अगर कम पड़े तो पानी डाल देना पड़ता है ठंडा ठंडा, और हमारा मस्का जो है जम जाता है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहला स्लॉट यहाँ पर हो गया है हमारा, जो मस्का है वो अभी बाकी बचा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये जो है बहुत पुराना हो गया है, ये फ्रेश वाला है, बट पुराना हो गया तो भी हमारी जो घी है वो अच्छे से ही बन जाती है। तो बस यहाँ पर इतना मैंने, मतलब काफ़ी दिन पहले जब मेरी अम्मी आई थी ना तब से जमा रही हूँ, तो जब से अम्मी गई है तब से, क्योंकि अम्मी जब आए थे तब मैंने मेरे भाई और अम्मी के लिए मलाई जमाई थी ताकि वो खा सके फ्रेश मलाई, उसके बाद से जमा रही थी। तो बस अभी यहाँ पर हमारी जो मलाई है इस तरह से हो गई थी, तो बस मुझे लगा कि आज फाइनली निकाल ही लेना चाहिए मस्के को, तो बस अभी मस्का निकाल रही हूँ, उसके बाद हम इसको गर्म करेंगे तो ये घी बन जाएगा, तो दिखाऊंगी पूरा निकालने के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मस्का है वो बन चुका है, इसको कर लेते हैं गर्म। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आया क्योंकि मैंने ज़्यादा दिन तक इसको जमाया है, तो बस अभी इसको करते हैं गर्म, जब ये गर्म हो जाएगा निकाल देंगे डिब्बे में, तो तब दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हमारा जो मस्का है बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मलाई, सॉरी जो घी है वो बन चुका है इस तरह से, मैं जमाती हूँ काफ़ी अच्छी और दानेदार। यहाँ पर देखिए एकदम दानेदार घी जो है बन के तैयार हो गई है, काफ़ी टेस्टी होती है। घर की घी की बात ही कुछ और होती है, घर की मलाई आप जमाओ घर में घी बनाओ तो उसकी बात कुछ और ही होती है, एकदम मतलब हाइजीनिक से बनाई गई और टेस्ट में लाजवाब घर की घी होती है। तो इस तरह से घर में मलाई जमा करना, थोड़ी बहुत अगर आपके घर में मलाई आती है तो उसको भी जमाना चाहिए, थोड़ी सी ही मलाई से काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाया है, ये मैंने आपा से सीखा है। तो हमारी जो घी है वो बन चुकी है काफ़ी, इस बार ना काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं थी तब तक मैंने छोड़ा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा घी आया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किचन से फारिग हो चुकी हूँ, फिर किचन का जो कुकिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा कि किचन का काम तो हो ही गए, अजमा के पापा बोल कर गए थे कि जो भी प्रोजेक्ट मुझे कल मिला था, मतलब प्रोजेक्ट में जो मेरा काम था छोटा मोटा सा, वो काम तुम्हें करके रखना है, तो मैंने वो कल ही कर दिया था। अभी जो बचा हुआ काम था वो था पेंट करना, तो फिर यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि अजमा आने तक अजमा को थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ला कर रख रही हूँ ताकि मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए उठना ना पड़े और जल्दी से मैं सारी चीज़ें निपटा लूँ, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं यार, दिन भर के काम ना ख़त्म ही नहीं होते, फिर नेक्स्ट डे आने तक हम सोचते रहते हैं कि कल का क्या काम है क्या काम है, तो फिर मेरा तो यही हाल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते ही देखते शाम कैसे हो गई बिल्कुल पता नहीं चला, और मैंने जो सुबह में काम लिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब दोपहर में जो मैं कर रही थी अजमा की जो पेंट करने वाली चीज़ें थी ना वो मैंने पेंट कर चुकी हूँ। तो वो क्या, तो देखिए फ्रेंड, शाम के बज रहे हैं अभी 7:30 हो रहे हैं, और अभी मुझे हमारा जो डिनर है वो करने के बाद, अभी चाय तो हो गई है, डिनर की तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी से डिनर करना है, इसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, मतलब ईशा के बाद से मैं अपनी जो नवाफिल है वो शुरू कर दूंगी, क्योंकि आज जो है शबे मेराज की बड़ी रात है। तो आप लोग भी सबके लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह से मैं भी सबके लिए ज़रूर से दुआ करूँगी, अल्लाह सबको सेहत दे, अल्लाह सब सबकी ज़िंदगी सेहत भरी हो। तो सब लोग, आप लोग भी दुआ कीजिए हमारे लिए, मैं भी आपके लिए, मेरी पूरी वाइटी फैमिली के लिए ज़रूर से दुआ करूँगी। तो चलिए बस अभी यहाँ पर मैं सोच रही हूँ, जब तक ईशा का टाइम नहीं हो जाता, क्योंकि नहा धोकर मुझे फ़्रेश होना है, फिर इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और वैसे तो सुबह नहा धोकर रहते हैं, फ्रेश हुए होते हैं, लेकिन जितना भी नहा धो लो सुबह में, लेकिन जब ये नमाज़ पढ़ते हो तो फिर रात में फिर से एक बार फ्रेश होना ज़रूरी होता है, गुसल लेना ज़रूरी होता है इस वजह से। तो अभी टाइम है मुझे फ्रेश होने के लिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ईशा का टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो यहाँ पर अजमा के जो
ऑर्डर करने वाले एनुअल डे के लिए जो कपड़े हैं वो कर लेती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ एक काम से। इसको करेंगे और आयरन करके रख लेंगे, और भी बहुत काम है। तो चलिए पहले इस काम को करके निपटा के, तो इस काम को करके उठा के रख देते हैं, बाकी और काम कल से शुरुआत होगी। पता नहीं क्या क्या करना है, क्योंकि अजमा का जो क्राफ्ट है वो थोड़ा बहुत जो मेरा काम था वो मैंने कंप्लीट कर। तो अभी अजमा के पापा बोल रहे हैं थोड़ा और काम भी है मुझे क्राफ्ट में, तो देखते हैं अजमा के प्रोजेक्ट में थोड़ा और काम मुझे और है, तो अब तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसको करने के बाद सीधे डायरेक्ट अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं देखती हूँ आज मिलती हूँ या नहीं, क्योंकि कल ही मैं आपसे सुबह में मिलूँगी। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा के हाथ के मैं बना रही हूँ ग्लव्स। तो अजमा के स्कूल में एनुअल डे का जो फंक्शन है उसके लिए ग्लव्स की ज़रूरत है, और अजमा को ग्लव्स जो है मिल ही नहीं रहे हैं। हमने काफ़ी सर्च किया, नहीं मिल पा रहे हैं, और शादियों में ख़ास करके यहाँ पर कैथलिकों की शादियों में मिलते हैं, वो लोग बनाते हैं ब्राइड के लिए, ब्राइड के जो बाजू में बच्चे होते हैं छोटे से उनके लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर अजमा के हाथ का माप मतलब साइज़ लेकर मेजरमेंट लेकर मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा मंगवाया था तो वो आ चुका था, तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी निपटा ही लेते हैं। और अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अभी हम तैयार हो चुके हैं नहा धोकर, तकरीबन रात के बज रहे हैं 11, और मेरी बच्ची यहाँ पर देखिए अजमा भी रेडी हो चुकी है नमाज के लिए, उसने भी वजू वगैरह कर लिया है, बस हिजाब अपना पहन लिया है स्कार्फ, बस अभी हम लोग नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, और वजू वगैरह हो चुका है हमारा, तो बस नमाज होगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह से कितने बजे तक हम इबादत करेंगे, तो बस अभी फ़िलहाल इबादत कर लेते हैं। आप लोग भी बहुत सारी दुआएं करना इंशाल्लाह, मैं भी सबके लिए, मेरी वाइटी फैमिली और मेरे पूरे ख़ानदान, मेरे आस पड़ोस और जो मुझे चाहने वाले हैं उन सबको, नहीं चाहने वालों को भी मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह सबके लिए। कहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल रात में माशाल्लाह से हमने बहुत देर तक अपनी नमाज़ें अदा की हैं। तो बस अभी सुबह हो चुकी है, मुझे लगा कि इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग जो है कंटिन्यू ऐसे ही रहा है, मैंने ब्लॉग का एंड नहीं लिया था। बस अभी चलिए ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, कमेंट करके मोटिवेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।